बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। गर्मियों के फलों का बादशाह आम, जहां बहुत मज़ेदार और रसीला होता है, वहां इसमें बेशुमार फ़वाद पाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम आम के फ़वाद के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें, स्किप मत करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आम निज़ामे हाजमा को बेहतर बनाता है, आंतों की सफाई करता है, क्योंकि आम में मौजूद दागानुमा रेशे फाइबर जिस्म से फासद मादों का अखराज करने के साथ साथ कब्ज और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। आम में विटामिन ए की अच्छी मकदार पाई जाती है। ये विटामिन आंखों की सेहत और बेनाई को बेहतर करने के साथ साथ आपकी आंखों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। आम खाने से आपकी जिल्द पर झुर्रियों के असरात कम होते हैं और आपकी जिल्द खूबसूरत और चमकदार होती है। आम आपको हार्ट अटैक से महफूज रखता है। ये दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें पोटाशियम की भरपूर मकदार पाई जाती है, जो जिस्म से हाई सोडियम लेवल को मेंटेन करके मतवाजन करता है। इसलिए आप दिल की बीमारियों से महफूज रहने के लिए अपनी खुराक में आम शामिल कर सकते हैं। आम जिगर और गुर्दे के फेल को तेज़ करता है। आम खाने से आप कैंसर और दमा जैसी मुख्तलिफ बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। आम जिस्मानी कमज़ोरी का खात्मा करने के साथ साथ आपके जिस्म को फरबा और सेहतमंद बनाता है। आम हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। इसे खाने के बाद आप जहनी दबाव से छुटकारा पा सकते हैं। आम में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है और यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसी तरह आपके अंदर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा होती है। आपका इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा, इतना ही आप बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि आपको सेहतमंद रहने के लिए आपका इम्यून सिस्टम बुनियादी किरदार अदा करता है। इंसानी जिस्म में दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बच्चे और बड़े जो आम खाना पसंद नहीं करते, वो आम का मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। ऐसे बच्चे जो दूध नहीं पीते, आप उनको आइसक्रीम भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम तो बच्चे शौक से खाते हैं। ये आइसक्रीम फरद बख्श भी होगी और तवानाई से भरपूर भी होगी। इसके अलावा आप आम की जैम भी घर में बना सकते हैं। इसको स्लाइस पे लगा के खा सकते हैं। ये खालिस होगी, केमिकल के बगैर होगी और तवानाई से भरपूर होगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या शुगर के पेशेंट आम खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम मकदार में। व्यूवर्स, आम के मतलब ये मेरी मालूमती वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।